एवरीवन, वेलकम टू मोनिका'स व्लॉग। मैं चित्रा, आज मोनिका का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं शिरडी और हमने लिखित को कर दिया है मुंडन। देखिए तो, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना लिखो। और हम सब ने आज येलो कलर का पहना है। यहाँ भरत जी सो रहे हैं, उन्होंने भी येलो कलर का ड्रेस पहना है। देखिए मम्मी येलो, लिखित येलो और मैंने भी थोड़ा बहुत येलो ही पहना है। और आज मैंने नया हेयर स्टाइल बनाया है, साइड पफ विथ ओपन हेयर। जैसे मम्मी अलाउ तो नहीं करेगी ओपन हेयर, साथ में मैंने क्लच भी रखा है, जब मम्मी डांटेगी तो मैं क्लच लगा लूँगी। और अभी हम लोग जाने वाले हैं दर्शन के लिए। आज सबसे मेन बात क्या है कि आज ना, यानी आप लोगों की मोनिका पर मेरी छोटी ने न्यू ड्रेसिंग सेंस यूज़ किया है, मतलब पहना है। उसने आज तक अपनी लाइफ में कभी प्लाजो नहीं पहना है और आज उसने वाइट टॉप, चिकन वर्क का एक टॉप पहना है, लखनवी टॉप टाइप, और उसके नीचे उसने पहना है आज वाइट कलर का प्लाजो। सो फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैंने प्लाजो पहना है। हो सकता है बाहर बारिश भी आ सकती है। मैं प्लाजो इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे मेरे हाइट का प्लाजो नहीं मिलता है, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ प्लाजो। और लिकू, हम लोग जैसे ही पहुँचे थे हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप हो रहे थे, मम्मी जाकर लिकू का मुंडन करवा कर ला दिए है। तम्मू तैयार हो गया है, भरत तैयार होकर सो भी रहा है और सो के वो उठ भी गया है, तो ठीक है। अभी जब हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे तो शायद हम लोग मोबाइल लेकर नहीं जा पाएंगे, तो जब मैं हम दर्शन करके आ जाएंगे उसके बाद हम आपको कराएंगे शिरडी का टूर, तो आप वेट करते रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी दर्शन करके आ गए हैं। हमने भक्ति निवास में रूम बुक किया है, तो संस्थान का रूम ऐसा है। भरत भी ये कर रहा है, चलो चलते हैं। अभी हम खाना खाने जा रहे हैं और हम खाना भी साई प्रसादालय जा रहे हैं, जो बड़ा वाला है। भक्ति यहाँ भी जा रूम है, वहाँ भी खाना मिलता है पर अभी बंद है फिलहाल, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वो भी आप लोग को दिखाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि बड़े वाले जो प्रसादालय है वहाँ चलेंगे। और एक बेस्ट है, हमारा दर्शन इतनी जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि हमारे साथ भरत है और भरत 1 ईयर से छोटा है। तो नेक्स्ट अगर आपका भी बेबी 1 ईयर से छोटा है तो आप लोग को भी फैसिलिटी है कि VIP दर्शन एकदम गेट नंबर 3 के पास से पास लेना, कलेक्ट करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स, प्रेग्नेंट लेडी और जो बच्चे छोटे हैं उनको अपने पेरेंट्स के साथ जाने का, जल्दी से दर्शन हो जाता है तो वहाँ से करिएगा नेक्स्ट कभी भी आए तो। लिखित के टाइम पे हमको इतना पता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने 3 या 4 आवर्स लाइन में लगे थे। लिखित 3 मंथ्स का था। ये पूरे रूम से और यहाँ लिखा भी रहता है रूम के सामने, डोनेटेड बाय किसने डोनेट किया, सब हर एक रूम के सामने लिखा रहता है। और देखिए ऊपर में बोर्ड दिख रहा है आपको, लिखा रहता है किसने डोनेट किया। और अभी हम लोग जा रहे हैं प्रसादालय, नीचे संस्थान की बस आती है, हम लोग बस में ही जाएंगे। हम लोगों ने कोई प्राइवेट होटल नहीं किया, संस्थान के ही रूम बुक किए, संस्थान के ही बस से ट्रैवल करेंगे। पूरा आपको नॉर्मली बजट में आप शिरडी प्लान कर रहे हैं टूर तो कैसे करिएगा, ये मैं आप लोगों के अपने वीडियो में बताऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पे हॉट वाटर भी मिलता है, वो जो है स्टाफ रूम है, वहाँ पे हॉट वाटर वगैरह सब मिलता है, अवेलेबल रहता है, बट दोपहर के 12 बजे तक ही रहता है, उसके बाद नहीं मिलेगा। और ये वाले भक्ति निवास में टोटल 500 रूम्स है। तो चलिए अभी हम लोग प्रसादालय जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये पूरा भक्ति निवास है, हम लोग डी विंग में, इधर ग्राउंड भी है, हम लोग शाम को आएंगे पार्क में बैठने के लिए। अभी तो फ़िलहाल हम लोग अपना लंच कर लेंगे। देखिए लिखित जा रहा है और इधर वेटिंग एरिया देखे हैं, सुबह मैंने आपको दिखाया था जहां हम वेट कर रहे थे, यहां से इस काउंटर से रूम अलॉट होते हैं। ये देखिए हम लोग बाहर आ गए, बस यहां आएगी, ये बस का वेटिंग एरिया है। अभी ऑलरेडी एक बस गई है, अभी और एक बस आएगी, तब तक के लिए हम वेट करेंगे। और ये संस्थान का, साई बाबा का संस्थान का स्कूल है यहाँ पे। टाइम
देखिए यहाँ पे वेट करने से बस का पिकअप पॉइंट है ये। थैंक यू लिखो। भरत भी वेट कर रहे। भरत बस के लिए वेट कर रहे हो क्या? लिखित आप क्या कर रहे हो? एप्पल खा रहे हो? वो एप्पल नहीं है बेटा, एप्पल नहीं है वो। वो देखिए भरत क्या कर रहा है। हम लोग अभी बैठे हैं बस में, ये देखें ये संस्थान की बस है, सभी जन बैठे हैं। भरत भी बैठा है, लिखित लिखित दिख नहीं रहा है, लिखित उधर बैठा है अपने मामा के पास। वो टकला दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? हाँ वो देखो लिखित टकला, लिखो लिखू टकला, देखो लिखू लिखित से हाय। तो अभी हम लोग जाएंगे प्रसादालय, खाना खाएंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, और मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ का आप लोग को अपडेट देते रहूँगी मैं कहाँ हूँ। प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। चलिए फिर मिलती हूँ, बाय। सो फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग प्रसादालय पहुँच गए। मैंने बस में से भी क्लिप लिया था लेकिन वो पता नहीं मेरे मोबाइल में सेव नहीं हुआ, डिलीट हो गया था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई मंदिर का एक आउटलुक, वो सब दुकान वहाँ के बाजू के। अभी हम लोग प्रसादालय पहुँच गए। ये भवन में 50 रुपीज़ लगता है, टिकट लेना पड़ता है, स्पेशल खाना थाली। और यहाँ जहाँ अभी हम जा रहे हैं वहाँ फ्री प्रसाद रहता है, अगर किसी ने डोनेट किया है तो उस दिन फ्री रहता है, नहीं तो 10 रुपीज़ लगता है। तो देखिए उस तरफ जो लाइन है वो 50 रुपीज़ के टिकट की लाइन है, और इस तरफ फ्री कूपन वाली लाइन है, वहाँ लिखा भी होगा। और उस दिन बैंगलोर से किसी ने 3 लाख रुपीज़ डोनेट किया था, तो फ्री खाना था, खाने के लिए उन्होंने फूड डोनेशन के लिए 3 लाख अमाउंट दिया था, तो खाना पूरा फ्री था उस दिन सभी के लिए। और अभी हम अंदर जा रहे हैं डाइनिंग हॉल की तरफ। ये देखिए ये लाइंस जो है, लाइन से जाना पड़ता है, ये पूरे लाइंस भरे रहते हैं। 2 एंट्रेंस है, एक यहाँ पर है डोर और एक उस तरफ है डोर जिस तरफ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। अभी हम लोग भी इस लाइन में लग के जाएंगे। टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट टिकट भी भेज रहे थे पर टिकट लिए तो अच्छा। देखिए कितनी भीड़ है, और जब भी शिरडी जाए तो यहाँ खाना ज़रूर खाए क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद कर लिया है। मैं तो लंच करके बहुत थक भी गई हूँ क्योंकि मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। अभी हम लोग सबजन पी रहे हैं स्प्राइट, देखो मैं तो नहीं बोल रही, ये देखिए चीयर थोड़ा सा आपके लिए, चीयर तो अभी मम्मी छोटी, हाय भरत, लिखित ने एक खिलौना लिया है। लिखित आपका खिलौना दिखाओ बेटा, यस। लिखित ने एक जीप लिया है, और चलिए देखते हैं और क्या क्या ले सकते हैं। सब स्टॉल्स है यहाँ, प्रसाद का स्टॉल है, सॉफ्ट टॉयज है, बच्चों के खिलौने हैं। और आइए देखते हैं क्या क्या है। लेडीज के बैंगल्स है, प्रसाद, बच्चों के खेलने की चीजें ज्यादा हैं। यहाँ वॉच की दुकान है, आगे बच्चों के खेलने की झूले भी है, झूले भी हैं। तो यहाँ है बच्चों के
झूले, यहाँ है कीचेन का शॉप, शायद इसमें नेम्स लिख कर देते हैं। देखिए कितना भैया नाम लिखने का, कितना बड़ा नाम भी रहो। राइस पे नाम लिखा गया है। सो दीदी यहाँ पे किचन बनवा रही और मैं अभी तक चूड़ियाँ ले रही थी, इसलिए दीदी को कहा था कि शूट करने के लिए। ये देखिए लेडीज कॉर्नर, यहाँ पे मैंने ये देखे सेल भी है स्लीपर्स के, सैंडल्स देखे कैसे है, शूज अच्छा लग रहा है ना। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, हम लोगों ने अभी खाना खाया है, कल भी शॉपिंग डे ही है हमारा। ये प्रसादालय के बाजू में जो है, मैं वहाँ आपको दिखा रही हूँ, हमने लिखित के लिए तो खिलौना ले ही लिया है। ये देखे ना, ये कार भी है, ये ट्रक दिखाइए ना भैया, डंपर डंपर। तो हाय फ्रेंड्स, हमने खाना खा लिया और अभी हम प्रसादालय के पास में ऑपोजिट में एक छोटा सा मेला, अभी चालू नहीं हुआ पर थोड़े बहुत झूले चालू हो चुके हैं। ये देखिए लिखित भी झूल रहा है, सोचा लिखित को झुला लेते हैं, ऐसे उसको डेयरिंग बहुत कम है, वो नहीं बैठता। 3 झूले के बाद अब जाके वो किसी एक में बैठा है। अभी हम लोग वापस मंदिर के पास जाएंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, उसका भी वीडियो क्लिप डालूंगी, देखिएगा ज़रूर। अभी मंदिर के पास जाएंगे, मैं आज मंदिर के पास से लाइव आने वाली थी पर अभी नहीं आऊँगी मैं, कल संडे है तो कल आऊँगी ज़रूर निकलने से पहले। तो चलिए फिर मिलती हूँ। अभी मैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, अब बहुत थक गए, अब जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर रात को खाने के लिए ही बाहर निकलेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको कहा था कि हम लोग इवनिंग में, यहाँ पार्क है रूम्स है वो पूरे पीछे में जो दिख रहे हैं आप लोग को, वहाँ बाहर बैठने के लिए इवनिंग में पार्क है, सब जन बैठे हैं और लिखित भी खेल रहा है। लिखित क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कार कार खेल रहा है लिखित, दिखाओ तो आपका कार, आपका जीप दिखाओ, जीप है जीप, ये देखिए लिखित का जीप, वो लिखित खेल रहा है और सभी जन बैठे हैं हमारे पीछे। वैसे अभी हम लोग बहुत थक गए, नींद आ रही है मुझे, ट्रेन में भी नींद नहीं हुई थी हमारी, तो सुबह से घूम ही रहे, अभी जाएंगे और सो जाएंगे और बाकी के जो भी शॉपिंग है हम लोग वो कल करेंगे। तो मैं आज का अपना जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और नेक्स्ट कल का part 2 व्लॉग डालूंगी मैं आप लोगों के लिए, कल हम लोग क्या क्या करेंगे वो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके चलिए फिर मिलती हूँ, बाय।